वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक कॉबॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं, जस्ट कि जैसे कि आपको पता है कि एक टर्टल, आई हैव लॉस्ट वन माय टर्टल, तो जब से दूसरा वाला है और प्लस जो फिश ऐड करनी थी, तो आई डोंट नो वो फिश की वजह से अनकम्फर्टेबल है कि या इट कीप लुकिंग फॉर हर पार्टनर, तो उसकी वजह से वो काफ़ी आजकल ट्राई कर रहा है बाहर निकलने के लिए। अभी तो बास कर रहा है पीछे, वो देखिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा है, बट मैंने थोड़ा सा कर दिया था यहाँ पर और कि ताकि बिल्कुल ना निकल पाए, बट मैंने दोबारा भी मंगा लिया है यही सेम नेट और मैं इसकी फेंसिंग को आज और ज़्यादा मजबूत करने वाला हूँ, क्योंकि अब वो जब से अकेला या जो भी है तो बहुत ज़्यादा ट्राई करता रहता है निकलने के लिए। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो मैं आज ट्राई करूँगा कि यहाँ पर एक वहाँ पर एक लेयर लगा के और इसको इतने एरिया को पूरे को मैं पूरी नेट लगा दूँगा इस हाइट तक, ताकि कोई चांस ही ना रहे कि इनकेस वो बाहर वो करता भी है, तो क्योंकि वो बार बार यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी मैंने पहले से ऐसे बना दिया था तो नहीं चढ़ पाता, बट वो वहाँ से बार बार उस पॉइंट की तरफ ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला होता है जब भी मैं देखता हूँ, तो वो अवॉइड करने के लिए आज इसकी फेंसिंग को हम थोड़ा इम्प्रूव करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस एरिया में तो मैंने ये डबल फेंस किया हुआ है, एज इन इस तरीके से लगाया हुआ है, तो यहाँ तक आ भी जाता है लेकिन वो इसकी वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाता, बट वो यहाँ से कभी कभी वहाँ उस कोने में हाफ हाइट तक पहुँच जाता है। इस साइड तो वॉल है ऑलरेडी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं भी सोचता हूँ कि एक इसके ऊपर एक लेयर ऐसी लगा देता हूँ और उसके बाद और यहाँ से पूरा नीचे लेके यहाँ तक कर दूँगा, तक ये है कुछ इस बारी कलर थोड़ा डार्क है, आई गेस डिफरेंट कंपनी पिछले बार थोड़ा लाइट था, बट ये अच्छा है कि आप इसकी अगर कुछ ऐसा आपको लेना है तो मैं इसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, अमेजोन पे मिल जाता है। इसके साथ आपको ये स्मूथ कटर भी मिल जाता है और ये जो हिप्स होते हैं जो इनको कनेक्ट करने के लिए, तो इससे अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और फेंसिंग जैसी आप चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए एज यूजुअल अकेला ही हूँ इसलिए थोड़ा इस वियर्ड एंगल से वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना कवर कर सकता हूँ कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो बाद में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस हाइट तक अच्छा खासा इस हाइट तक आ गया है और वो उस कोने में तक इस एंगल से लगा दिया ताकि, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, आपको एक सेकेंड, तो इस तरीके से पूरा इतनी अच्छी खासी हाइट तक कवर हो चुका है। तो मैं इसको इसी तरह कवर कर देता हूँ ताकि इस एरिया में कोई इशू रहेगा ही नहीं, बाकी फिर वहाँ ऊपर भी कवर कर देंगे, बाकी ये सब मर रहे हैं अभी यहाँ पर, चिल मारते हुए, और अभी तक हो चुके हैं। अभी इसने स्टार्टिंग में एक दो बारी बस इस वाली सुपकिन को थोड़ा हल्का सा किया था अटैक, मतलब टू, उसके बाद तो टच वोट कुछ हो नहीं रहा, सब मस्त जी रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर ऐसे ही रहेंगे तो फ्यूचर में और ऐड कर सकते हैं फिर हम, तो इसको बेसिकली कोई का और टर्टल पॉन्डी बना देंगे। फेंसिंग का काम पूरा ख़त्म कर लिया, हालत ख़राब हो गई थोड़ा, एंड आई एम सॉरी आपको ज़्यादा टाइम लैप्स ही दिखा पाया इसमें, बिकॉज बार बार आके लगाना करना, क्योंकि अकेले ही मुझे सब जिप करने थे और लगाना था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पूरा प्लान किया है। स्टिल इफ़ यू थिंक कि कहीं पे कुछ रह गया है या आपको लगता है कि वहाँ पर मुझे और थोड़ा कर लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ डू कमेंट। चलिए मैं आप दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से अब की बार पूरा और अच्छे से
ये फेंसिंग कर दी है मैंने। तो बेसिकली गाइस जो आपको दिखा रहा था, एक तो ये देखिए यहाँ से अब पूरा इस एंड से मतलब कोई गैप ही नहीं छोड़ा है, और इतनी हाइट है इसकी अच्छी खासी, और ये पूरा हाइट ऐसे आके आके ये देखिए यहाँ तक ये पूरा पूरा कवर कर दिया है, क्योंकि यहाँ ही रिस्क वाला एरिया है ज़्यादा। बट लेकिन यहाँ पे भी अब अगर आप देख लो तो ये फेंसिंग यहाँ तक थी, बट देन ऊपर से इस तरह का फ्लैट, क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ तक आ भी जाता है तो यहाँ पर वो ऊपर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये इस तरीके से मैंने ये देखिए यहाँ से पूरा लगा दिया है यहाँ तक। और जो आपको दूसरा मैं बता रहा था कि यहाँ तो वो साइड तो जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने इस तरीके से ये कवर लगा रखे थे, बट वो उस एरिया में चढ़ जाता था हल्का सा। अब पता नहीं वो कूदने वाला था या नहीं था, बट इसलिए मैंने अब वहाँ पर भी एक टॉप लेयर लगा दिया, यहाँ पर टॉप लेयर लगा दिया, तो पूरी हर जगह से अब मैंने कर दिया है पैक। आप देख सकते हैं अब मोर देन अभी ये टर्टल कोई पॉन्ड के हिसाब से, आई गेस मेरे को इसको नेट पॉन्ड का नाम दे देना चाहिए, क्योंकि पूरा नेट पॉन्ड लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्टल कोई पॉन्ड, बट ठीक है। और तो ये देखिए ये रे महाशय, और ये पूरे हमारे कोई काफ घूम रहे हैं, और ये देखिए फिर चढ़ने की तैयारी, बट अब नहीं निकल पाएंगे ये। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा पूरा एक। तो गाइस था ये बेसिकली एक अपडेट जो मैं अपने कुछ इसकी फेंसिंग इम्प्रूव कर रहा था, बिकॉज़ जब से ये अकेला रह रहा था तो ये थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर हाथ पैर मारने लग गया था, तो आई वाज़ वरीड कि ये निकल ना जाए कहीं, क्योंकि मे बी अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए तो होता है ऑफकोर्स, ऐसा किसी को भी होगा अगर आप अकेले रह रहे हो और थोड़ा सो उस हिसाब से मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो प्रॉब्ली अब फिश भी डाल दी हैं, तो हो गया इसको फिश को काफ़ी टाइम इनके साथ, थिंक आई गेस ऑलमोस्ट 4-5 days नाउ। तो अब कुछ समय के बाद फेमिलियर हो जाएगा। अगर स्टिल आपको लगता है कि कुछ रह गया है कहीं पर और फेंसिंग करनी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आई विल ट्राई टू डू इट। तो बाय द वे जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, टर्टल पॉन्ड जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लस वीडियो ख़त्म होने के बाद प्लेलिस्ट आएंगी जिसमें टर्टल्स कोई पॉन्ड एक्वेरियम और शॉप टूर और जो मैंने कुछ टूर किए थे उसके भी वीडियोस हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी मेरे कोई वीडियोस आएँ आपको उसका अपडेट मिलता रहे। मैं इस तरीके से अभी फ़िलहाल तो घर से ही अपडेट्स दे रहा हूँ अपने पॉन्ड एक्वेरियम सबका। तो एंड जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच, आप जिस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें इसी तरीके से अपना प्यार बढ़ाते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। और यस, अभी जब तक कोरोना ढंग से ठीक नहीं हो जाता, आप अपना ख्याल रखें और फैमिली वालों का रखें और घर पे रहें। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।